सरकार के साथ किसानों की बैठक जारी है। 11वें दौर की बैठक में सरकार ने एक बार फिर किसानों से कल के प्रस्ताव पर चर्चा की, लेकिन आपस में बैठक के बाद किसानों ने इसे खारिज कर दिया। कल सरकार ने तीनों कृषि कानून को 1.5 साल के लिए होल्ड पर करने का प्रस्ताव दिया था। किसान अब भी तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं, लेकिन क्या बातचीत में अब कोई नई बात निकल कर आती है, इस बात पर निगाहें टिकी हैं। सरकार ने कहा था कि इन कानूनों को हम 1.5 साल के लिए इन पर रोक लगा सकते हैं और उतने समय में चर्चा की जा सकती है। बैठक से पहले ही किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया था। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, जा रहे हैं मीटिंग में भाग लेने के लिए। आज थोड़ा आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं। अरे नु कह रहे कि प्रेरणा करो, आगे पीछे कर लो। क्या को ये तिरंगा के साथ में तो जा रहे हैं हम। तिरंगा कौन रोकेगा भाई हमका? क्यों वो बताया अफगानिस्तान नहीं, हम तो तिरंगा लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने तिरंगा के साथ कौन अपमान करेगा तिरंगे का, उसका इलाज करेंगे। जो तिरंगे का अपमान करेगा उसी का तो इलाज करेंगे। तिरंगा हमारा है, तिरंगा देश के किसान का है, यहाँ की देश की जनता का है। तिरंगा तो फौज का वो है, और फौज और पुलिस हम ही तो लेकर सब चलेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे। पुलिस किसान अब भी गांव में है, उनके लिए कुछ संदेश है। उनके लिए वे कह रहे हैं झंडे दे दो, वे झंडा मांग रहे, झंडा ब्लैक में बिक रहा तिरंगा। देश में तिरंगे की इतनी डिमांड है कि मिल नहीं रहा तिरंगा। अभी आप बात करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी आज आक्रामक रहेंगे किसानों के तेवर? नहीं नहीं, किसान तो बहुत प्यार से शांति से बात करें। बात शांति से है, बाहर जब तिरंगा रैली होगी तो तिरंगा तो क्रांति का प्रतीक है हमारा। तिरंगा हमको चाहिए, गांव के लोग तिरंगा चाहिए। किसने वोट दे रखी है जिसको, उससे तिरंगा लो। बात